इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कल की 289 एडी के 19 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वहीं जानेंगे सरफिरा और इंडियन 2 के 4 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वहीं यहाँ पे बात करने वाले हैं किल के 11 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं किल के 11 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो निखिल नागेश के डायरेक्शन में बढ़ने वाली किल, जिसके लीड रोल में आपको लक्ष्य लवानी के साथ राघव जुवाल नजर आए थे, वहीं इसका जो कि कलेक्शन है वो देख लेते हैं। तो पहले हफ्ते में अगर इसका कलेक्शन देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा और 11 करोड़ 10 लाख की कमाई की। वहीं अगर बात करते हैं इसके 8वें दिन का कलेक्शन, तो यहाँ पे 80 लाख की कमाई की। 19वें दिन यानी कि सैटरडे का कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला और 1 करोड़ 35 लाख की कमाई की। वहीं 10वें दिन का कलेक्शन देखा जाए तो यानी कि संडे का कलेक्शन, तो 1 करोड़ 60 लाख की कमाई की, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसके कंपटीशन में बहुत सारी बड़ी फिल्में यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। तो उसके बाद इसके 11वें दिन यानी कि आज अगर मंडे का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी यहाँ पे करीब 70 से 80 लाख की कमाई कर रही है। टोटल कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 11 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 15 करोड़ 65 लाख रुपए। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन देखा जाए तो 18 करोड़ 80 लाख हो चुका है। अगर ओवरसीज यानी कि विदेशों से देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा यहाँ पे जो कि ओवरसीज का कलेक्शन इसका जो कि आ रहा है, तो अभी तक देखा जाए तो यहाँ पे 17 करोड़ 50 लाख की कमाई ओवरसीज से कर चुकी है। तो टोटल वर्ल्ड वाइड यानी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो 36 करोड़ 30 लाख हो चुका है, जो कि इसका बजट है मात्र 20 करोड़। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और देखते हैं कि आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करती है। तो चलिए अब जान लेते हैं सरफिरा के 4 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो सुधा कंगड़ा के डायरेक्शन में बनने वाली सरफिरा, जिसके लीड रोल में आपको अक्षय कुमार के साथ राधिका मदन और प्रेस रावल देखने को मिले थे, वहीं जो कि इसका कलेक्शन है वो जान लेते हैं। तो पहले दिन का अगर इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें तो 2 करोड़ 50 लाख के साथ शुरुआत की थी। वहीं इसके दूसरे दिन का कलेक्शन सैटरडे का देखा जाए तो 4 करोड़ 28 लाख की कमाई की। उसके बाद इसके तीसरे दिन यानी कि संडे का कलेक्शन देखा जाए तो कल संडे अपने जो कि तीसरे दिन 5 करोड़ 10 लाख की कमाई की, जो कि काफ़ी यहाँ पे ठीक ठाक कलेक्शन है। उसके बाद इसके चौथे दिन यानी कि आज अगर मंडे का कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है और 2 करोड़ की कमाई करते हुए नज़र आ रही है। टोटल कलेक्शन देखा जाए तो 4 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 14 करोड़ 85 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 18 करोड़ हो चुका है। ओवरसीज से 4 करोड़ 50 लाख की कमाई कर चुकी है। तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 22 करोड़ 50 लाख हो चुका है, जो कि इस फिल्म का बजट की बात करें तो 80 करोड़ के आसपास इस फिल्म का जो कि बजट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करती है और अपने बजट को रिकवर करती है या नहीं करती। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इंडियन 2 के 4 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो चुका है। तो एस शंकर के डायरेक्शन में बनने वाली इंडियन 2, जिसके लीड रोल में आपको दिखे थे कमल हसन, सिद्धार्थ और रकुलप्रीत सिंह, वहीं जो कि इसका कलेक्शन है वो देख लेते हैं। तो पहले दिन का इंडियन नेट कलेक्शन रहा था 25 करोड़ 60 लाख, जिसमें से तमिल कलेक्शन 16 करोड़ 50 लाख की ओपनिंग थी। हिंदी का कलेक्शन था यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख और तेलुगु से 7 करोड़ 90 लाख की कमाई की अपने पहले दिन। वहीं इसके दूसरे दिन का इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें तो 18 करोड़ 20 लाख की कमाई की, जिसमें से तमिल कलेक्शन 13 करोड़ 70 लाख रहा, हिंदी कलेक्शन 1 करोड़ 30 लाख रहा और तेलुगु से 3 करोड़ 20 लाख की कमाई की। अगर बात करते हैं इसके तीसरे दिन यानी कि संडे का कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे 15 करोड़ 10 लाख की कमाई की, जिसमें से तमिल कलेक्शन 11 करोड़ रहा, हिंदी कलेक्शन 1 करोड़ 30 लाख रहा, तेलुगु से 2 करोड़ 80 लाख की कमाई की। अगर बात करते हैं इसके चौथे दिन यानी कि आज अगर मंडे का कलेक्शन देखा जाए तो वर्किंग डे होने के कारण यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिल रहा है और जिस तरह का या इसका जो कि परफॉर्मेंस है, पहले दिन यहाँ पे ज़्यादा था, उसके बाद दूसरे दिन भी ड्रॉप देखने को मिला और तीसरे दिन संडे का भी यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि चौथे दिन भी यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 6 करोड़ के आसपास की कमाई यहाँ पे करते हुए नज़र आ रही है। तो टोटल कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे 4 दिनों में हो चुका है 66 करोड़ रुपये। अगर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन देखा जाए तो 79 करोड़ 20 लाख हो चुका है, तो 79 करोड़ 20 लाख हो चुका है। और ओवरसीज से देखा जाए विदेशों से तो यहाँ पे 40 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 119 करोड़ 20 लाख हो चुका है, जो कि इस फिल्म का जो कि बजट की बात करें तो करीब 150 करोड़ है इस फिल्म का बजट। तो देखते हैं कि अपने बजट को कब तक रिकवर कर पाती है और आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कल की 289 एडी के 19 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनने वाली कल की 289 एडी, जिसके लीड रोल में आपको दिखे थे बाहुबली प्रभास, उनके साथ अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण
और दिशा पटानी। तो चलिए जो कि इसका कलेक्शन है वो देख लेते हैं। तो पहले वीक का अगर कलेक्शन देखा जाए तो टोटल कलेक्शन पहले वीक का था 414 करोड़ 85 लाख, जिसमें से तेलुगु कलेक्शन 212 करोड़ 25 लाख रहा था, तमिल का कलेक्शन 23 करोड़ 10 लाख रहा था, हिंदी का कलेक्शन पहले वीक में 162 करोड़ 50 लाख रहा था, कन्नाडा से 2 करोड़ 80 लाख की कमाई की थी और मलयालम से 14 करोड़ 20 लाख की कमाई की थी। अगर बात करते हैं इसके दूसरे वीक का इंडिया नेट कलेक्शन तो 128 करोड़ 50 लाख की कमाई की, जिसमें से तेलुगु कलेक्शन 41 करोड़ 50 लाख रहा, तमिल कलेक्शन 9 करोड़ 10 लाख रहा, हिंदी से 70 करोड़ 40 लाख की कमाई की, कन्नाडा से 1 करोड़ 70 लाख की कमाई की और मलयालम से 5 करोड़ 80 लाख की कमाई की। उसके बाद इसके 16वें दिन का इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें तो 6 करोड़ की कमाई की। वहीं अगर इसके जो कि 17वें दिन का इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि इस दिन सैटरडे था, और 14 करोड़ 45 लाख की कमाई की। उसके बाद इसके जो कि बात करते हैं 18वें दिन यानी कि संडे का कलेक्शन देखा जाए तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिला और 16 करोड़ 25 लाख की कमाई की, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद 19वें दिन यानी कि आज अगर मंडे का कलेक्शन देखा जाए तो आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज से वर्किंग डे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आज का कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे करीब 6 करोड़ के आसपास यहाँ पे होने वाला है। तो टोटल कलेक्शन देखा जाए तो 19 दिनों में टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 586 करोड़ हो चुका है, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन देखा जाए तो 703 करोड़ 20 लाख हो चुका है, ओवरसीज यानी कि विदेशों से देखा जाए तो 2 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा का कलेक्शन ओवरसीज से हो चुका है। तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 953 करोड़ 20 लाख हो चुका है, जो कि इसमें का बजट है करीब 700 करोड़। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने वाली है। तो यह टेट का जो भी कलेक्शन था वो टेट का था। मेकर्स के द्वारा भी यहाँ शनिवार को 1000 करोड़ प्लस का यहाँ पे पोस्टर आया था और देखते हैं कि मेकर्स और टेट के अनुसार यहाँ पे लाइफ टाइम कलेक्शन इसका कहाँ तक जा पाता है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।